फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एके ऑनलाइन पॉइंट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के तरफ से लेटेस्ट वैकेंसी यहां पर जारी की जा रही है। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से पोस्ट हैं, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ और भी कई वेरियस पोस्ट पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके लिए डिप्लोमा मांगा गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की क्या क्वालिफिकेशन है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसके लिए कोई भी आपको फ़ी नहीं देना है। जी हाँ फ्रेंड्स, फ्री में ये फॉर्म आपको भरना है। सबसे पहले आपको बता दें और आपको बता दें कि आपको टाइपिंग भी नहीं देना है, सिर्फ आपको एक एग्ज़ाम लिया जाएगा और उस एक एग्ज़ाम को अगर आप पास कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर पक्का हो जाएगा, नौकरी भी यहाँ पर परमानेंट आपकी हो सकती है। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको ले चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। ये आप देख पा रहे हैं, मैंने इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर ली है, जो कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से या फिर आपको हमारी वेबसाइट akeonline.com पर विजिट करेंगे, थोड़ी देर में इसका आर्टिकल शो करेगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पोस्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि ये एक तरह के अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन इंडियन ऑयल क्या करती है, जो भी रिक्रूटमेंट निकालती है उनको अपने पास ही रख लेती है, परमानेंट कैंडिडेट को कर लेती है। ठीक है, अप्रेंटिस है इतना आप याद रखिएगा, लेकिन सैलरी यहाँ पर अच्छी खासी मिलने वाली है अप्रेंटिस के दौरान। और अगर आप इनका अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट लेके आप निकलते हो तो आई होप आपको बहुत सारी कंपनियों में बेस्ट जॉब देखने को मिलेगी, जहाँ से आप 35 से 40 हज़ार से स्टार्टिंग कर सकते हैं। और हो सकता है आपको क्या है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर ही काम करने को मौका मिल जाए। यदि अगर ऐसा हो जाता है तो आपकी नौकरी परमानेंट होने की 100% चांस रहती है। यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट निकाले गए हैं, जिसके लिए डिप्लोमाधारी सभी को मौका यहाँ पर दिया गया जाएगा, जैसे कि ITI है, पॉलिटेक्निक है, BA BTech है, BSc धारक है, टेक्नीशियन वगैरह की यहाँ पर पोस्ट है। आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर स्पेशली डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में ही बात करूँगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ट्रेंड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर का, जिसके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर मात्र 12वीं पास रखी गई है और इसकी जो है 15 महीने तक ये जॉब की क्या है कि अप्रेंटिस, आपकी अप्रेंटिसशिप चलेगी, जिसके दौरान आपको यहाँ पर बात करते हैं छुट्टियों की, तो 32 छुट्टियाँ देखने को मिलेगी इस 15 महीने में। सैलरी की यदि हम बात कर लेते हैं तो लगभग 22,000 रुपये सैलरी, 20 से 22,000, क्योंकि ये 12th लेवल की वैकेंसी यहाँ पर निकाली जा रही है, तो 20 से 22,000 रुपये से यहाँ पर आप लोगों की स्टार्टिंग इसकी सैलरी की हो सकती है। उसके बाद हमने आपको जैसे बताया कि आपका परमानेंट होने का भी चांस है, और ऑनलाइन अप्लाई आप इसके लिए कर सकते हैं, कहीं से भी आप आवेदन कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से, क्योंकि ये रिफाइनरी वाइज वैकेंसी निकाली गई है। जैसे कि आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा गया है रिफाइनरी, तो हर एक स्टेट का 3 से 4 रिफाइनरी होता है, ऑयल रिफाइनरी जो होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिवाइड की गई है, तो आप लोग अपनी कैटेगरी की वैकेंसी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, देखिए एक फ्रेशर के लिए है यहाँ पर निकाली गई है। ठीक है, और एक यहाँ पर क्या है कि अप्रेंटिस जो डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर के लिए, स्किल सर्टिफिकेट होल्डर यानी कि जो डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर जिनके पास सर्टिफिकेट है वो, तो दोनों यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और दोनों को मिला के टोटल सभी को मिला के लगभग 1500 पोस्टों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1500 पोस्ट पर टोटल ये वैकेंसी है। अब हम बात करते हैं इनके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख पा रहे हैं, डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 24/9/2022 से इसका ओपन हो जाएगा, लास्ट डेट यहाँ पर 23/10/2022 रखा गया है। ठीक है, और यहाँ पर हर एक चीज़ क्लियर कर दिया गया है, जैसे कि लास्ट डेट ऑफ PWBD कैंडिडेट टू सबमिट, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है तो इनके क्या है कि जो मेल कर सकते हैं आपका। उसके बाद डेट आप देख पा रहे हैं डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड का, जो कि 1/11/2022 से 5/11/2022 के बीच में एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। और यहाँ पर संभवतः जो रिटर्न टेस्ट है आपका 6/11/2022 को लिया जाएगा। ठीक है, टोटल यहाँ पर 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पर देख पा रहे हैं रिटर्न टेस्ट का जो रिजल्ट है 21/11/2022 को आउट कर दिया जाएगा, साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 28/11/2022 से 7/12/2022 को आपका यहाँ पर लिया जाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर रिटर्न टेस्ट के लिए फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जा सकते हैं। सिलेबस आपका बहुत ही नॉर्मल यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, लगभग 2 घंटे का अगर आपसे क्या है कि एग्ज़ाम लिया जाएगा तो हो सकता है आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें से 100 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस नहीं जारी किया गया है। अगर 100 पूछे जाते हैं तो 25-25 क्वेश्चन आप रख लीजिए, जैसे कि रीजनिंग का हुआ, जो रीजनिंग में एप्टीट्यूड होती है मैथमेटिक्स वाली रीजनिंग। ठीक है,
दूसरा थोड़ा इंग्लिश का क्वेश्चंस भी आप तैयार कर लीजिएगा, उसके साथ हम यहाँ पर बता दें कंप्यूटर के क्वेश्चंस 20 से 25 आप तैयार कर लीजिएगा अगर 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और साथ में करंट अफेयर्स। लेकिन अगर हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप इनके लिए 50-50 रख लीजिएगा, 200 दो घंटे का है तो खासकर यहाँ पर 200 क्वेश्चंस आपसे ही पूछे जा सकते हैं, सिलेबस यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया है, इसलिए फ्रेंड्स मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ जो कि पिछली बार जो वैकेंसियाँ निकली हुई हैं उनके तौर पर। बाकी आप ज़्यादा अधिक जानकारी ले सकते हैं सर्च करके, अगर आपको पहले से पता है, जिन भाई को पहले से पता हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इनके कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, साथ में मेल भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया फॉर क्यूरीज क्लेरिफिकेशन, यहाँ पर आप अपना क्लेरिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली इनके वेबसाइट पर आना होगा जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, वेबसाइट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप विजिट करके वेबसाइट पर पहुँच सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट akonline.com से भी विजिट करके पहुँच सकते हैं। आवेदन करने के लिए स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर पूरी जानकारी आप लोगों को बताया गया है, मैंने आपको सिलेक्शन प्रक्रिया के बारे में भी बता दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया था यहाँ पर एज क्राइटेरिया के बारे में, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्लियरली यहाँ पर बोला गया है, मीटिंग एज क्राइटेरिया सेल भी 30/9/2022 यानी मिनिमम 18 मैक्सिमम लगभग 24 साल यहाँ पर आपकी एज लिमिट रखी गई है। मैं खासकर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बात कर रहा हूँ, और भी पोस्ट के लिए अगर आप क्या है कि योग्यता रखते हैं तो आप अपना चेकआउट कर लीजिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करें, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें सही और सटीक जानकारी पाने के लिए। फॉर्म बिल्कुल फ्री है, तो मैं पर्सनली आप रिकमेंड करूँगा आप लोगों के लिए, इसे ज़रूर भरें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।